नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की फिल्म कहो ना प्यार है की कुछ अनसुने और रोचक फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, कहो ना प्यार 14 जनवरी 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल नजर आए थे और इस फिल्म को ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के म्यूजिक राजेश रोशन ने दिए थे और ये फिल्म उस समय बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े 20 फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। एक, ऋतिक पहली बार कैमरे में सन 1980 में आई फिल्म आशा में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने जाने हम सड़क के लोगों से गाने में डांस किया था। पर ऐसे लीड एक्टर कहो ना प्यार है उनकी डेब्यू फिल्म थी और इसी फिल्म से अमीषा पटेल ने भी अपना डेब्यू किया था। दो, कहो ना प्यार है में जिस तरह से रोहित पहली बार सोनिया से मिलता है, ठीक उसी तरह से ऋतिक भी पहली बार सुजैन से मिले थे। तीन, इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने रोहित और राज दोनों का किरदार निभाया था। इस फिल्म में राज न्यूजीलैंड में रहता है और वहां के सीन्स लोगों ने काफी पसंद किया था। फिल्म के रिलीज होने के बाद न्यूजीलैंड भारतीयों के लिए और भी ज्यादा फेमस हो गया था। कई भारतीय न्यूजीलैंड घूमने जाने लगे। चार, कहो ना प्यार ने सन 2002 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कुल 92 अवार्ड जीतकर अपने इस रिकॉर्ड को उस बुक में दर्ज कराया था। पांच, कहो ना प्यार की जबरदस्त सफलता के बाद राकेश रोशन को अंडरवर्ल्ड माफिया से धमकी मिलने लगी। अपने ऑफिस से कहीं जाते समय उन पर कुछ लोगों ने गोली से हमला कर दिया था, जिसमें से एक गोली उनकी छाती पर जा लगी थी। फिर बाद में उनका ऑपरेशन करके गोली निकाला गया और उनकी जान बच गई। छह, कहो ना प्यार सन 2000 की नंबर वन हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने इंडिया में 44 करोड़ 27 लाख का कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सात, इस फिल्म ने ऋतिक रोशन को रातोंरात सुपरस्टार बना दिया था। ऋतिक रोशन का क्रेज उस समय जितना था, उतना आज तक किसी भी एक्टर का उसकी पहली फिल्म के समय नहीं था और ना कभी होगा। आठ, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद लगभग 30,000 शादी के प्रस्ताव ऋतिक को मिले थे। तमन्ना भाटिया, सोनाक्षी सिन्हा, श्रद्धा कपूर, तापसी पन्नू, कृति सेना और शक्ति मोहन जैसे कई सेलिब्रिटीज का उस समय ऋतिक पर ह्यूज क्रश हुआ था। नौ, इस फिल्म में राज की मां का रोल आशा पटेल ने निभाया था, जो रियल लाइफ में अमीषा पटेल की मां है। दस, अपने शूट के शुरुआती दिनों में ऋतिक काफी नर्वस हुआ करते थे और अपने डांस स्टेप में भी कंफ्यूज थे, पर कोरियोग्राफर फराह खान ने उन्हें मोटिवेट किया था और बहुत मदद भी किया था। 11, सोनिया का रोल पहले करीना कपूर निभाने वाली थी। शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था। फिर अमीषा पटेल को लिया गया था। जहां ऋतिक और अमीषा की पहली फिल्म कहो ना प्यार ब्लॉकबस्टर हो गई थी, वहीं करीना और अभिषेक की पहली फिल्म रिफ्यूजी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। 12, कहो ना प्यार की शूटिंग शुरू होने से पहले ऋतिक ने अच्छी बॉडी बनाई थी और ऐसी बॉडी बनाने में उनकी मदद सलमान खान ने की थी। उनके कहने पर ही ऋतिक ने जिम ज्वाइन किया था। इस फिल्म से पहले वे काफी दुबले पतले हुआ करते थे। 13, ऋतिक रोशन ऐसे पहले और एकमात्र ऐसे अभिनेता रहे हैं जिसे अपनी पहली फिल्म में बेस्ट डेब्यू और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हो। 14, कहो ना प्यार ने हर अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्टर, बेस्ट डेब्यू, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड जीता था, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 15, इस फिल्म में राकेश रोशन चाहते थे कि रोहित और राज बिल्कुल एक जैसा दिखे, पर यह ऋतिक रोशन का आइडिया था कि राज को चश्मा और क्लीन शेप में रखा जाए और उनका यह आइडिया बहुत सही साबित भी हुआ था। 16, इस फिल्म के लिए दो क्लाइमेक्स फिल्म आए गए थे, जिसमें से एक ये था कि राज रोहित के दुश्मनों से बदला लेकर मर जाता है और दूसरा ये कि राज सोनिया से शादी करता है, पर अंत में राकेश रोशन ने दूसरे क्लाइमेक्स को चुना ताकि फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो। 17, कहो ना प्यार का एक गाना जाने मन को बाद में इस फिल्म में डाला गया था। यह गाना अब भी कई वर्जन में देखने को मिलता है और कई में नहीं। 18, इस फिल्म को स्पेनिश भाषा में डब करके स्पेन और साउथ अमेरिका में सन 2004 को रिलीज किया गया था, पर इस फिल्म को ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले 1 घंटा कम कर दिया गया था। 19, जब कहो ना प्यार की स्क्रिप्ट को तैयार किया जा रहा था, तब राकेश रोशन को किसी ने आइडिया दिया था कि इस फिल्म में राज और रोहित के रोल को एक को अच्छा दिखाया जाए और एक को बुरा, पर राकेश रोशन को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वे चाहते थे कि राज और रोहित दोनों के रोल को अच्छा दिखाया जाए और वैसे ही हुआ था। 20, इस फिल्म का एक गाना एक पल का जीना इतना ज्यादा हिट हुआ था कि आज भी लोग इस गाने पर जमकर नाचते हैं। इस गाने से ही ऋतिक को बॉलीवुड का बेस्ट डांसर का टैग भी मिला और अब भी जब डांस की बात आती है तो सबसे पहले जुबान पर ऋतिक रोशन का नाम ही आता है। आज भी लोग फिल्मों पर उनका डांस का इंतजार करने लगते हैं। आज भी अगर ऋतिक किसी अवार्ड शो या किसी सेरेमनी में अपनी डांस परफॉर्मेंस देते हैं तो उनकी डांस का क्रेज साफ साफ देखा जा सकता है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो तुरंत लाइक कमेंट और शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी लाने वाला हूं। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं और अगली वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं।